हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में आई हुई वैकेंसी के बारे में। ये भी एक गवर्नमेंट पीएसयू है, अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट की। तो इसमें कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मोड ऑफ अप्लीकेशन क्या है, अप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न अगर है तो क्या है, सलेक्शन प्रोसेस क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आइए डिस्कस करेंगे। और आपको यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लेना है। बाकी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ देनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा आपको। और यहाँ पर एक खास बात मैं बता देता हूँ, कोल इंडिया की जो प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया है प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियो में, तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे दो तरीके की पोस्ट है, मैनेजर फाइनेंस E3 ग्रेड पे और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस E1 ग्रेड पे। तो दो तरीके की पोस्ट है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आइए एक एक करके देखते हैं। उससे पहले यहाँ सेकेंड पेज पर बताया गया है, ऑनलाइन अप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 11 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो अप्लीकेशन का है 11 जनवरी 2020 है, यानी कि एक महीने का टाइम दिया गया है, आराम से आप करिए। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन प्रिंट करना है, DD बनाना है, यहाँ पे ऑनलाइन फीस नहीं पे करना है, DD बनाना है। और DD बनाने के बाद आपको अप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है, साथ में DD अटैच करनी है, और जो भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं वो लगाने के बाद आपको कुरियर कर देना है। ये सारी चीज़ें कैसे करनी है आगे चल के डिस्कस करेंगे। जो आपका कुरियर है या फिर स्पीड पोस्ट, वो सारा आपको 21 जनवरी 2020 के तक पहुंच जाना चाहिए, शाम के 5 बजे तक। नेक्स्ट, यहाँ पे मैनेजर E3 पे जो फाइनेंस अकाउंट्स की पोस्ट है उसका पे स्केल यहाँ पे 24,900 है, और यहाँ पे ये अंडर रिवीजन है पे स्केल। अभी विदाउट पे रिवीजन आपका CTC मंथली जो बनेगा ग्रॉस वो 90,813 बनेगा, बट जब ये रिवाइज हो जाएगा तो ऑलमोस्ट आपका 1,30,000 पर मंथ आपका CTC बन जाएगा। और यहाँ पे एज जो क्राइटेरिया रखा गया है 40 ईयर्स रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट करें फाइनेंस की तो 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री एंड CA एंड CMA क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो आपके पास डिग्री एनी डिसिप्लिन का है प्लस CA और CMA है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो 9 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पब्लिक सेक्टर और लार्ज प्राइवेट रेपुटेड सेक्टर में बात की गई है। यहाँ पे भी था एटलीस्ट 4 to 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का काम आपने किया हो तो प्रेफरेंस यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आइए बात करते हैं, यहाँ पे PSU में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसका लोअर ग्रेड बताया गया है कि आप बिलो लेवल पे कम से कम 3 साल काम किए हो तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ही बता दी गई हैं कि आपका CTC उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी आपका 10। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें असिस्टेंट मैनेजर E1 पोस्ट के ग्रेड के लिए फाइनेंस का, तो पे स्केल जो है 16,400 है। ये भी पे अंडर पे रिवीजन चल रहा है, ये आपका बेसिक हो जाएगा रिवाइज होने के बाद 40,000 to 1,40,000 ईयर। एज की क्राइटेरिया की बात करें 30 ईयर है। फाइनेंस की 3 पोस्ट है यहाँ पे, 1 अनरिजर्व, 1 OBC, 1 आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट पेज पे जाके। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन सेम है, डिग्री प्लस CA CMA मांगा गया है। यहाँ पे अगर बात करें इसेंशियल रिक्वायरमेंट की तो 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। यहाँ पे SC की एक पोस्ट है, और यहाँ पे जो आपका CTC 60,000 पर मंथ आपका बनने वाला है ग्रॉस, अगर रिवाइज हो जाएगा तो 85 अप्रॉक्सीमेटली आपका बनेगा। देन यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर लार्ज कंपनी में है तो आपका यहाँ पे सारी चीज़ें बताया गया कि CTC प्राइवेट सेक्टर में है आप तक आपका तो कम से कम 5.5 लाख होना चाहिए, अगर ऊपर पोस्ट के लिए है तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख होना चाहिए। ये सारी 2 तरीके की पोस्ट हैं जो मैंने बताई आपको, एक मैनेजर और एक असिस्टेंट मैनेजर। तो इससे रिलेटेड अदर टर्म्स कंडीशन क्या है वो भी आइए देख लेते हैं। यहाँ पे जनरल टर्म्स कंडीशन बताया गया, प्राइवेट सेक्टर कंपनी विल बी कंसिडर सब्जेक्ट टू द प्रेजेंट CTC एज इंडिकेटेड इन द अबव टेबल, एंड ऑल्सो द कंपनी एनुअल टर्नओवर शुड बी एटलीस्ट 100 करोड़ आपका होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं अगर प्राइवेट सेक्टर से आप अप्लाई कर रहे हैं। देन यहाँ पे अप्लीकेशन फीस की बात करें तो 300 का DD आपको बनाना है, जो SC ST PWH हैं वो एग्जम्प्टेड हैं, और DD जो बनानी है इन द फेवर ऑफ मिसेस हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड पेबल एट विशाखापट्टनम के नाम से बनाना है। जो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट अप्लाइड, बैक साइड आपको DD के लिख देना है, मोबाइल नंबर भी आप लिख दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंटआउट, DD और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपका डिग्री 10th 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन का आपका CA CMA का जो भी सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, वाट एवर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अटैच करना है, और आपको इस एड्रेस जो बताया गया है यहाँ पे आपको फॉरवर्ड कर देना है 21 जनवरी 2020 से।
तो ये आपको एड्रेस बताया गया। नॉन रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, इन अगर हार्ड कॉपी आपका नहीं मिलता है तो इनकम्प्लीट माना जाएगा आपका एप्लीकेशन, क्योंकि डीडी उसी के साथ जाएगा, तो ऑनलाइन पेमेंट है नहीं तो डीडी नहीं मिलेगा तो वो आपका डिस्क्वालीफाई कर देंगे। द क्वालिफाइंग रिक्रूटमेंट एज क्राइटेरिया आपका और एक्सपीरियंस जो है, आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन बताया गया है, तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पे आपका एज और एक्सपीरियंस मेट करना चाहिए। बाकी अदर टर्म्स कंडीशन है जो आपके यहाँ पे बता दिया जाएगा। जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे वहाँ पे, अभी यहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू है, तो यहाँ पे बताया गया आउट स्टेशन कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, उनको एसी फर्स्ट और सेकेंड एसी का फेयर रिइम्बर्समेंट कर दिया जाएगा। कंपनी की वेबसाइट से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक्सपीरियंस डिटेल जो आपको अटैच करना है, एनेक्सर वन ये बताया गया है, ये फॉर्मेट होगा, इसमें आपकी सारी चीज़ें फिल करनी है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, नेचर ऑफ ड्यूटी, नंबर ऑफ इयर्स, कितना आपने काम किया है, सैलरी आपकी सीटीसी क्या है। अप्लाई कैसे करना है तो वो बताया गया है कि आपको hsvisa.in पे जाके, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहाँ पे जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फोटो और डीडी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, कैसे आपको क्या करना है वो आप देख लेंगे। उसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो यहाँ पे आप recruitment@hsvisa.in पे इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे मेल करके आप पूछ सकते हैं क्या आपको डाउट है जो भी है। तो ये फुल डिटेल थी फ्रेंड्स इससे रिलेटेड। तो आपका जो एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन है, बट हार्ड कॉपी आपको फॉरवर्ड करना है, उसके बाद आपको डीडी अटैच करना है, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाई मेल बाई मैसेज कि उनको कब और कहाँ पे आके इंटरव्यू देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के यहाँ पे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों को जोड़ें इस चैनल से जो भी फाइनेंस अकाउंट्स बैकग्राउंड से, चाहे वो कॉमर्स से हों, चाहे CA से हों, CMA से हों, या फिर MCOM हो, MBA फाइनेंस हो, यहाँ पे सबके लिए जॉब जो भी आती है गवर्नमेंट सेक्टर में मैं प्रोवाइड करता हूँ। प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अप्लाई करने का, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको एक पता चल जाता है कि नहीं यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसको ग्रैब करना आपके हाथ में, किस तरीके से आप उसको तैयारी करेंगे, कैसे इंटरव्यू देना है, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है। प्रिपरेशन करके आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देना है, अगर रिटर्न है तो इंटरव्यू है तो इंटरव्यू क्रैक करना है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना जॉब की, वो मैं कर रहा हूँ। आपका काम है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ बने रहना। थैंक यू।